आज भी इस मंदिर पे पहला पुष्प एक आत्मा चढ़ाती है? जी हाँ, हम हैं इस वक्त मैयर मंदिर में। मान्यता है कि मंदिर का जब पट बंद हो जाता है और सभी पुजारी और भक्तगण पहाड़ के नीचे चले जाते हैं, उस वक्त इस मंदिर के भीतर आला और उदल अदृश्य रूप से आके यहाँ पूजा करते हैं। जब मंदिर का पट खुलता है उस वक्त माँ की पूजा हो चुकी होती है। आला और उदल को बताया जाता है कि माता के बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने 12 साल तक माता की पूजा किया था और अब पूजा के दौरान इन्होंने अपनी जीभ भी काट के माता को अर्पण कर दिया था। हम और आप मिलकर इस रहस्य मंदिर का दर्शन करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नया दिन, एक और नया स्थान, और जानकारों ने पहचान भी लिया होगा कि इस समय हम लोग मैहर धाम आ गए हैं, जो कि एक शक्तिपीठ है। और कहते हैं कि माता का गले का हार जो है यहाँ गया था, तो माँ का हार से ही ये मैहर नाम पड़ा है। और इसके पीछे कई कहानियाँ भी हैं। कहते हैं कि ये आला की माँ थी, उनका स्थापना करके उनकी पूजा करते थे, तो कई इस तरह से कहानियाँ हैं। आला कहानी तो हम जो है महोबा वाले ब्लॉग में आपको बताएंगे। अभी हम लोग चलते हैं और मैहर माता का दर्शन करते हैं। शारदा माता के नाम से इनको जाना जाता है, और ये पर्वत जो है त्रिकुट पर्वत है जिसपे शारदा माँ विराजमान है। तो आइए चल के इनके दर्शन करते हैं। दोस्तों, हम लोग रोप वे का टिकट लेने आ गए हैं, और वयस्क के लिए 150 रुपये और बच्चों के लिए 100 रुपये है। ये रोप वे का रास्ता, रोपवे की तरफ हम लोग चल चुके हैं। और देखिए इस तरह से रोपवे का सेटअप है, ये नॉन मैग्नेटिक सेटअप है। एक तरफ से चेन पुल होती है, एक तरफ डाउन होती है, इस तरह से ये रोपवे चलता है। और अब एक रोपवे में 4 लोग बैठ सकते हैं, बच्चे हैं तो 5-6 लोग भी बैठ सकते हैं। और हमारा नंबर भी आ गया है। देखिए दोस्तों, रोप वे से कितना अच्छा दृश्य आ रहा है। पूरे विंध्या पर्वत श्रृंखला है ये, उसका पूरा एक अच्छा रमणीय दृश्य आ रहा है, हमें दिख रहा है। और पूरी ग्रीनरी है, और ये सामने त्रिकुट पर्वत जिसके ऊपर हमारी माता विराजमान है। इनको शारदा माई के नाम से भी यहाँ के लोकल लोग बुलाते हैं, और इनके दर्शन के हम बढ़ चले हैं। घने जंगलों के ऊपर से दोस्तों हम बढ़ चुके हैं माता के दर्शन करने के लिए, और पूरा चारों तरफ बड़ा ही रमणीय दृश्य है। घने जंगल हैं, और अपने आप में ही एक ये अलग कहानी बयां करते हैं इस क्षेत्र की, और बहुत ही रोचक कहानियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। और तो किसी और दिन हम आपको बताएंगे। और मन में उल्लास से माता के दर्शन कितनी जल्दी करें, हमारे आर्य बाबू भी इंतज़ार में है कि कितनी जल्दी माता के दर्शन हो जाए। देखिए दोस्तों, शारदा माँ,
देखिए दोस्तों, ये शारदा माँ का जो है दरबार है और मैयर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जगह यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने, क्योंकि ये शक्तिपीठ में से एक है। बड़ी कुमार यहाँ गिरा था ऐसा माना जाता है, जब सती के विच्छेद किया था सुदर्शन चक्र से, उस समय उनका हार यहाँ गिरा था। त्रिकुट पर्वत बसा हुआ है, बोलते हैं कि शंकराचार्य ने इसको बनवाया था, और कुछ लोग कहते हैं कि आला जो कि महोबा के सेनापति थे उन्होंने जो है इसको बनवाया था। यह दर्शन बाद छोटे छोटे बालक भी जाते रहते हैं। एक इस तरह लोग अपनी मन्नत मांगते हैं यहाँ बांध के। देखिए दर्शन मार्ग का व्यू का आनंद लीजिए आप लोग, जबरदस्त व्यू है। बोलो सारे, बोलो आगे वाले पीछे वाले, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। देखिए दोस्तों, यही मेन मंदिर है, गर्भगृह मंदिर, गर्भगृह है। देखिए दोस्तों, हम लोग अब लाइन में लग गए हैं मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए। सामने मंदिर कपाट है और उसके ऊपर भक्तों के लाइन लगी हुई है। सामने देखिए, फ़ोटो खींचना है लिखा है कि मना है लिखा है, इस बात की कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मना है, हटा दिया गया है उसमें से, और इसलिए फ़ोटो खींचना है हो गया है। बट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किसी भी तरह की अंदर मना होती है, इसलिए अंदर का तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे कुछ भी। पर कहते हैं कि इस गर्भगृह के दर्शन मात्र से ही माता की कृपा मिल जाती है, साथ में बाहर ये स्क्रीन चलता रहता है, इसमें भी माता के देखिए पूरा साक्षात दर्शन हो रहे हैं और भक्त गणों में पूरा जोश और उल्लास है। Thank you.
देखिए दोस्तों इस तरह से जो लोग यहाँ जो है भजन भी करते रहते हैं लोग, देखिए माता की भक्ति में लोग पूरा सरोवर है, देखिए कितने सरोवर हैं लोग माता की भक्ति में और पूरा भक्तिमय वातावरण से पूरा परिदृश्य गूंज रहा है। देखिए बहुत ही आनंद आता है दोस्तों, यहाँ कभी भी आइए पूरे सारे दुख सारी परेशानियाँ आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग का जो है दर्शन हो गया है शारदा माता का, और ये जो है मंदिर का गर्भगृह है जहाँ शारदा माता विराजमान है, और अंदर क्योंकि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल मना है इसलिए यहाँ नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो देख लीजिए यही है और काफ़ी महत्व है इसका। बोलते हैं कि आज भी आला जो है आज सबसे सुबह 5 बजे मंदिर का दर्शन करते हैं और उसके बाद ही मंदिर खुलता है। जो होती रात को जब 9 बजे मंदिर बंद किया जाता है तो सब चीज़ व्यवस्थित करके बंद किया जाता है, पर सुबह जब 5 बजे के बाद मंदिर खोला जाता है तो सब अस्त व्यस्त होता है और फूल चढ़ाया जाता है गुड़हल का। तो ऐसा बोलते हैं कि आला की आत्मा आती है और उसको जो है माता को सबसे पहला फूल आला ही चढ़ाते हैं। आला की कहानी हम आपको सुनाएंगे महोबा वाले ब्लॉक में। तो इस तरह से यहाँ चमत्कारी मंदिर है, लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है और काफ़ी इसमें शक्ति है इसीलिए एक शक्तिपीठ है। तो ये इसी साथ दोस्तों आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। बताइएगा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक जय हिंद जय भारत।